बावलोग हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 को आने में अभी समय लगेगा। मान के चल रहे हैं 2 साल का गैप यानी 2026 की गर्मी में यानी समर में हमें ये मिल जाएगा। लेकिन HBO हमें निराश होने का मौका नहीं देगा, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स से एक और प्रीक्वल लगभग 6 महीने बाद यानी 2025 की स्टार्टिंग में ही अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम हमें मिलने वाला है, जो एगोन 5 टारगेरियन के दौर में दिखाया गया है, क्योंकि इस नाइट के साथ एगोन के बचपन कटा था और इस दौरान एगोन 5 जिसे बचपन में एग कहकर भी जाना जाता है। और इस सीरीज में यही दिखाया जाएगा कि डंकन द टॉल की क्या भूमिका रही है एगोन 5 को आयरन थ्रोन तक पहुंचाने में, उसको वापस किंग्स लैंडिंग लाने में, और इन दोनों ने अपनी शानदार जर्नी को अंजाम कैसे दिया है। इस वेब शो में ये सब दिखाया जाएगा। इसी के साथ एगोन 5 टारगेरियन में बताऊं तो दादा है मैड किंग एरिस 2 टारगेरियन का और परदादा है अपने डेनेरिस टारगेरियन का। तो इस सीरीज से एक छोटा सा आइडिया ये भी लग जाएगा कि टारगेरियन खत्म होने की कगार तक आखिर पहुंचे कैसे थे, और इस वेब शो से रॉबर्ट रेवेलियन इवेंट का भी छोटा मोटा आइडिया हमें लग जाएगा। तो बाबा ये वेब शो गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन जैसे ही मजेदार और रोमांचक होने वाला है। तो बात कर लेते हैं कि क्या आखिर हमें शो में मिल जाएगा, डंकन द टॉल कौन है और किन किन टारगेरियन के शासनकाल में ये था, एगोन 5 टारगेरियन के साथ क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसका। तो बाबा पहले ही बता दूं, डंकन द टॉल डेरेन 2 टारगेरियन, एरिस 1 टारगेरियन, मेकार 1 टारगेरियन एंड एगोन 5 टारगेरियन के शासनकाल में था, जिसे डंक, डंकन द टॉल, सर जाइंट, द हैंग्ड मैन और मिस्ट्री नाइट कहकर भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी लंबा था, लगभग 7 फीट टॉल, 7 फीट लंबा। और वेब शो में पीटर क्लाफे डंक का रोल प्ले कर रहे हैं, जो खुद 6 फुट लगभग 3.5 इंच के आसपास है। इसी के साथ नजर मारते हैं अर्ली लाइफ ऑफ डंकन द टॉल यानी डंकन द टॉल की शुरुआती जिंदगी पर। वो किंग्स लैंडिंग की किसी एक गलियों से निकला था, एक अनाथ या फिर बास्टर्ड भी हो सकता है, जो अपनी अर्ली एज में काफी तेजी से ग्रो करा था। इसकी देखरेख सर अर्लेन ऑफ पेनिट्री, जिसे हैज नाइट भी कहा जाता है, के द्वारा हुई थी, जब ये उसका स्क्वायर यानी उसका नौकर बना था, पर्सनल नौकर। उसके बाद ये अर्लेन से इंस्पायर होकर तलवारबाजी भी सीखी और किंग्स लैंडिंग का एक किंग्स गार्ड बनना भी चाहा। सर अर्लेन के साथ इसने काफी जगह ट्रेवल भी किया, नॉर्थ और पेनिट्री जैसी जगह को छोड़कर, हाई गार्डन भी गया उसके साथ, उसके बाद लैनिसपोर्ट भी गया, देन उसके बाद डॉन भी गया। जब डंकन द टॉल यानी डंक 17 साल का हो चुका था, तब एस्फोर्ड टूर्नामेंट के रास्ते में ही अर्लेन की मौत हो गई, और अब डंक ने ठाना कि वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि छोटी उम्र में ही लंबा चौड़ा कद का ये बंदा था, अच्छा खासा डेल्डोर था और एक योद्धा की तरह दिखता था। तभी रास्ते में एक गंजा लड़का उसे मिलता है, जिसने अपना नाम एग बताया और जिद करता है डंक का स्क्वायर बनने के लिए, उसका नौकर बनने के लिए। वो और कोई नहीं, एगोन 5 टारगेरियन ही होता है, जिसे किंग्स लैंडिंग वापस जाना था और डंक भी उधर ही जा रहा था। और फिर वो दोनों साथ निकल चले। पहले टूर्नामेंट में उसे शामिल नहीं होने दिया गया। फिर प्रिंस बेलोर टारगेरियन और मैका टारगेरियन से अर्लान का नाम इस्तेमाल करके, क्योंकि अर्लान को ये दोनों पहले से ही जानते थे, तो उसका इस्तेमाल करके इसने सिफारिश लगवाई और उस टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाई। पर इसी बीच डंक की झड़प प्रिंस डेरेन टारगेरियन और एरियन टारगेरियन से हो गई, जिसके बीच बचाव एग ने किया अपनी रियल आइडेंटिटी को बताकर, जिसे कुछ दिन पहले कुछ डाकू उठा ले गए थे। ये बात मैकार और बेलर को पता चली, उसने तुरंत डंक और एग को बुलवाया, और ऐसे में मैकार का उसका खोया बेटा एगोन 5 मिल जाता है, जो एग के नाम से उसके साथ रह रहा था। उसके बाद एग के रिक्वेस्ट करने पर डंक और एग को एक साथ रहने दिया गया, जो उसका स्क्वायर बन के रहने लगा, जो एगोन 5 टारगेरियन को सब कुछ सिखाएगा आगे जाकर। तो ये था अर्ली ब्रीफ कैसे वो मिला, देन वो किंग्स लैंडिंग पहुंचा, लेकिन इसी बीच उन्हें काफी लंबी जर्नी भी करनी पड़ी थी, और ये शो हमें वही दिखाने वाला है, जर्नी ऑफ डंक एंड एग, जो किंग्स लैंडिंग पर पहुंचने से पहले और पहुंचने के बाद की लाइफ को, कैसे उनकी क्या जर्नी रही है और वो दोनों इतने क्लोज कैसे आए। तो एक नज़र उनकी जर्नी में भी मान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। डंकन और एग डॉन की यात्रा में भी निकले, जहां गलती से डंकन ने लेडी कसेला वैथ की इंसल्ट कर दी, जिसे थोड़ा लफड़ा भी हुआ वहां पर। इसी के साथ रेगिस्तान क्रॉस करते वक्त डंक का घोड़ा मारा गया, जिससे तूफानों का सामना करते हुए उन्हें पैदल ही सफर तय करना पड़ा। इसी बीच ओल्ड टाउन का सफर उन्होंने जहाजों से तय किया, और इसी बीच समुद्री लिटोरों से यानी सी कॉम्बैट का एक्सपीरियंस भी डंकन को मिला। ओल्ड टाउन में डंक एंड एग एगोन उसके भाई एमन से मिलते हैं, जिसने से हॉर्स भी प्रोवाइड कराया यानी घोड़ा प्रोवाइड कराया। आगे अपनी जर्नी के दौरान वो स्टैंडफास्ट जगह पर पहुंचे, और यहाँ अपने डंकन भाई को मोहब्बत हो जाती है। दरअसल स्टैंडफास्ट में यूस्टेस ऑस्ग्रे नाम का एक पुराना बूढ़ा किसान नाइट है, जिससे उसकी मुलाकात हुई और दोस्ती भी हुई, लेकिन उसका पंगा लेडी ऑफ कोल्ड मॉट की विधवा रोहाना वेमर से होता है। इसी बीच रोहाना के किसानों ने ऑस्टर्स के इधर आ रहा पानी को रोक लेते हैं, जिससे जंग छिड़ जाती है और डंक ना चाहते हुए भी इस जंग में इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन वो कोल्ड मॉट जाकर एस्टियोस की तरफ से कॉम्प्रोमाइज करना चाहता होता है, लेकिन वहां पहुंचकर रोहाना की सुंदरता में वो
बह जाता है, यानी डंकन भाई बह जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो मर्द तो है और दोनों के बीच में आंख में चोली भी होती है, साथ में टपाटप भी होता है। और डंकन सिर्फ रोहाना को दिखाने के लिए उसकी तरफ से लड़ने के लिए दावा करता है, जहां उसने ऑस्टेस की नौसिखी आर्मी को डंकन ने इजली पेल के रख दिया यानी हरा दिया। देन एंड में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एक कॉम्बॉट ट्रायल की मांग हुई, जहां रोहाना की तरफ से ल्यूकास इंचफील्ड योद्धा नामक बंदा लड़ा और ऑस्टेस की तरफ से डंकन लड़ा, जिसमें डंकन ने उसे मार डाला लेकिन खुद भी बुरी तरीके से घायल हो गया। और एट द एंड इन दोनों की सुलह भी हुई, लेकिन यहां पर डंक भाई का दिल टूट गया क्योंकि कॉम्प्रोमाइज ऑस्टेस और रोहाना की शादी से हुई एंड डंक फील रिजेक्टेड, क्योंकि भाई उसका थोड़ा हुआ था लफड़ा उसके साथ, अपनी रोहाना के साथ। लेकिन लास्ट टाइम भी रोहाना को ढंग से पेल कर मजे लेकर तब अलविदा किया है उस जगह को इस बंदे ने।